मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की मतगणना के पहले बालाघाट में डाक मतपत्रों का फेक वीडियो वायरल होने के बाद प्रदेश में हड़कंप मच गया है और प्रत्याशी डाक मतपत्रों की जानकारी लेने में जुट गए हैं। इसी क्रम में इंदौर विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी संजय शुक्ला मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं, जहां उन्होंने निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात की है और डाक मतपत्र की जानकारी ली है। मीडिया से चर्चा करते हुए संजय शुक्ला ने अपनी जीत का दावा भी किया। अधिकारी से क्या कुछ शहरी क्षेत्रों में दिख रही है, पूरी प्रतिक्रिया समझना है कि कैसे चुनाव हुआ, क्या हुआ, काउंटिंग कैसे होगी, क्योंकि इस काउंटिंग एजेंट के अंदर हमारे जो विधायक हैं आकाश जी और वो भी विधायक हैं और वीआईपी स्वच्छा उनके पास भी है, तो उनकी एंट्री अंदर भी होना चाहिए। उसके अलावा काउंटिंग कैसे होगी, डाक मतलब कैसे होंगे, उसके अलावा हमारे कैंडिडेट हमारे प्रत्याशी लोग हमारे मतलब कैसे बैठेंगे, इन सब की जानकारी लेने के लिए मैं आया था। वो सबसे बड़ी बात है जो कल मध्य प्रदेश में घटना हुई बालाघाट, उस घटना को देखते हुए इनसे बात करने आया था कि ऐसी घटना हमारे इंदौर में होना चाहिए, क्योंकि जो घटना हुई वो बड़े समाज नाग हुई है, तो आम जनता को देखा जो कि चुनाव जो स्पष्ट होना चाहिए, परंतु कहीं ना कहीं दबाव में आकर ऐसा ना हो कि इंदौर में ऐसी स्थिति बने, तो इन सबको देखने के लिए मैं आदमी ऑफिसर से मिलना आया, बात करने आया था कि आप टीका कैसे करेंगे, हर डाक मतलब कैसे गिनती करेंगे, क्योंकि डाक मतलब हमारे वहाँ 2600 डाक मतलब गिरे, तो डाक मतलब में ये बोला जाएगा कुछ फट जाएगा या उसको हम अलग कर देंगे, परंतु हम चाहते हैं कि वो डाक मतलब अलग से रखा जाए और साथ में रखा जाए, क्योंकि डाक मतलब दो टुकड़े भी हो जाए तो उसको जोड़ के डाक मतपत्र को गिना जाता है, परंतु ऐसे नियम हमको बताया गया कि उसको हटा दिया जाएगा, तो उस सबकी जानकारी लेने के लिए मैं आया। जी भैया, लग रहा है कहीं कुछ अनुमतियाँ आपको देर से मिल रही हैं, कुछ ऐसा इस तरह की कुछ भेदभाव हो रहा है? ये तो आपने देखा ही है कि मेरे विधानसभा के अंदर लगातार उन्होंने पैसा दछाड़ी गिफ्टें दारू सब खुले आम बढ़ी प्रशासन द्वारा हम कितना सहयोग मिला ये आप भी जानते हैं, परंतु अभी जो घटना हो रही है उस घटना को देखते हुए आपने देखा होगा हमारे एजेंट उस टाइम 3 दिन बाद बैठे अंदर, उस 3 दिन में क्या होगा वो आप भी जानते हैं, तो इसी कहीं ना कहीं लगता है कि हमको सपोर्ट नहीं मिल रहा था, इस चक्कर में आज अधिकारियों से चर्चा चुनाव कराएंगे। हमारा भी कहना है कि चुनाव जो भी हो, परिणाम जो भी हो हम मंजूर है हमको, परंतु चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए, क्योंकि ये चुनाव तो मैं जीत रहा हूँ, परंतु कहीं ऐसा नहीं वो बौखलाहट के कारण राष्ट्रीय महामंत्री वहाँ अंदर को उद्रव कर दे, उसके हम जवाबदारी लेना है कि अंदर वहाँ पर सुरक्षा पूरी होना चाहिए, क्योंकि चुनाव गुंडा और नेता का है, तो वहाँ अंदर जितने गुंडे बदमाश है सब अंदर बैठेंगे। जैसे बालाघाट में घटना घटी है, क्या कांग्रेस उसके लिए कोई यहाँ पर निगरानी कर रहे हैं? बिल्कुल, हमारे नोए कैंडिडेट के हमारे आदमी लोग मेरे खुद के वहाँ पर 12 आदमी लगातार वहाँ निगरानी कर रहे हैं, उसके अलावा हमारे रीना उरासी जी कर रहे हैं, जीतू पटवारी जी के, भाई बिल्कुल जोशी जी के लगातार वहाँ आदमी बैठ रहे हैं, परंतु किसी घटना ना हो इसके लिए हम जो कल बालाघाट की घटना हुई उस घटना को देखते हुए हम वापस किसानों चेताना आएंगे, ऐसी घटना इंदौर में नहीं होना चाहिए।